आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर आने वाले अदाकारों की रियल लाइफ के बारे में, और आपको बताएंगे इस ड्रामा की पूरी कास्ट के बारे में, और बताएंगे आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि आप शायद पहले से नहीं जानते होंगे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ड्रामा सीरियल जो कि ARY डिजिटल पर दिखाया जाता है। इस ड्रामा सीरियल के अंदर हिबा बुहारी और शहरयार मुनव्वर दोनों लीड रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर वन पर है नुमान इजाज़, जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन अदाकार हैं। ये बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर काम कर चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामा सीरियल के अंदर काम किया, जिनमें ड्रामा सीरियल मायरी, संगे माँ, संगे मरमर और ऐसे बहुत सारे ड्रामाज हैं, जहाँ पर इन्होंने अपनी अदाकारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की। अगर बात की जाए नुमान इजाज की फैमिली की, तो नुमान इजाज की फैमिली जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में रहाइश पज़ीर है, और अक्सर नुमान इजाज अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते रहते हैं। नुमान इजाज जो कि शादीशुदा हैं, इनकी बीवी का नाम राबिया इजाज है। नुमान इजाज को अक्सर अपनी बीवी के साथ देखा जाता है। ना सिर्फ नुमान इजाज बल्कि इनके बेटे जावियार नुमान भी इनकी तरह एक पाकिस्तानी अदाकार हैं। इन्होंने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए अदाकारी की तरफ आना चाहा, और आज ये भी पाकिस्तान के एक अच्छे अदाकार बन चुके हैं, और अक्सर इन दोनों बाप बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और एक साथ देखा जाता है। नंबर टू पर है असमा अब्बास, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल में काम करती हुई नजर आती हैं। असमा अब्बास PTV से अपने करियर का आगाज शुरू किया। असमा अब्बास हाल ही में खत्म होने वाले ड्रामा सीरियल होमार के अंदर भी एक्टिंग कर चुकी हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे मशहूर ड्रामा सीरियल के अंदर एक्टिंग करती हुई नजर आ चुकी हैं। ना सिर्फ असमा अब्बास बल्कि इनकी बड़ी बहन का तल्लुक भी शोबिज इंडस्ट्री से है, और इनकी बहन का नाम बुशरा अंसारी है। बुशरा अंसारी और असमा अब्बास, इन दोनों बहनों को बेहद पसंद किया जाता है, जबकि असमा अब्बास की बेटी जिनका नाम जारा नूर अब्बास है, वो भी अपनी वालदा की तरह एक अदाकारा हैं, और इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इनकी अदाकारी को भी बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। असमा अब्बास भी शुदा हैं, अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अक्सर ये अपने हस्बैंड के साथ ली गई तस्वीर पोस्ट करती रहती हैं। ये भी ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। असमा अब्बास हाल ही में नानी भी बन चुकी हैं। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर गर्दश कर रही है। नंबर थ्री पर है असमत जैदी भी एक पाकिस्तान की टैलेंटेड अदाकारा हैं। ये भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर काम कर चुकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा सीरियल में काम किया। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल में से बेबसी, बेबाक, मुश्किल, परिजात, ऐसी बहुत सारी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स हैं जिनमें इन्होंने अदाकारी करके अपना नाम बनाया। असमत जैदी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर ना सिर्फ इनकी अदाकारी को बल्कि इनकी खूबसूरती को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इन्होंने भी ड्रामा सीरियल खुमार के अंदर काम किया, और इसके बाद ये ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ड्रामा सीरियल शिद्दत के अंदर भी इनकी अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। असमत जैदी की फैमिली की बात की जाए तो ये अपनी फैमिली के बारे में शेयर नहीं करती, लेकिन ये अपने बच्चों को सिंगल पेरेंट के तौर पर ही परवरिश कर रही हैं। नंबर फोर पर है रिजवान अली जाफरी, जो कि पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर अदाकार और मॉडल भी हैं। ये अपनी अदाकारी से पहले एक मॉडल भी थे, और इनकी मॉडलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और इनको मॉडलिंग की वजह से ही बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इसके बाद ये भी एक्टिंग की तरफ आ गए। ये भी बहुत सारे पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा सीरियल के अंदर काम कर चुके हैं। इनको ड्रामा सीरियल के अंदर सपोर्टिंग रोल प्ले करते हुए ही देखा गया है। इन्हें शोबिज इंडस्ट्री में आते हुए कम अरसा ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने शोबिज इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई है, और इन्हें अब काफ़ी ज़्यादा लोग जानते भी हैं। अब अगर बात की जाए इनकी फैमिली के बारे में, तो रिजवान अली जाफरी की, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ही रखते हैं और अपने फैंस के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते, और ना ही ये अपनी फैमिली के साथ ली की तस्वीर किसी के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये अभी तक सिंगल हैं। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इन्होंने अपनी शादी के बारे में भी कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से ये लोगों के सामने खुलकर बात नहीं करते और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं।
नंबर फाइव पर है अदनान जाफर। अदनान जाफर के बारे में भी लोग जानते ही होंगे, हाल ही में ख़त्म होने वाले ड्रामा सीरियल इश्क मुशर्रत के अंदर ये काम कर चुके हैं और इस ड्रामा सीरियल में इनकी एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। इसके अलावा ये और भी बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर एक्टिंग करते हुए नज़र आ गए हैं और आजकल ये ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर भी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर काम करते हैं बल्कि इन्हें पाकिस्तानी मूवीज़ के अंदर भी काम करते हुए देखा गया है। इन्होंने भी पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा सीरियल के अंदर काम किया। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल में से ड्रामा सीरियल हम तुम, जो बिछड़ गए, बाग और ऐसे बहुत सारे ड्रामा सीरियल हैं जहां पर इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अब अगर बात की जाए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो ये अभी तक शादीशुदा हैं और इनके दो बच्चे भी हैं। ये अपनी फैमिली के साथ ली गई तस्वीर बहुत कम ही शेयर करते हैं लेकिन इसके बावजूद इनके फैंस इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस ड्रामा सीरियल के अंदर भी अच्छा किरदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर सिक्स पर है नादिया फंगन। नादिया फंगन भी एक पाकिस्तानी टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर स्पोर्टिंग रोल प्ले करके बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है। शुरू में इन्होंने पीटीवी के ड्रामा सीरियल के अंदर काम किया, ना सिर्फ अदाकारी करती हुई नज़र आई बल्कि इन्हें मॉडलिंग करते हुए भी देखा गया है। इन्होंने ड्रामा सीरियल सुनो चंदा के अंदर भी काम किया। इन्हें ड्रामा सीरियल की वजह से ही इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसी ड्रामा सीरियल की वजह से ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट मिलना शुरू हुई। इन्होंने ड्रामा सीरियल काबरी पुलाव के अंदर भी काम किया और अब ये ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर भी काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अब अगर बात की जाए इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो इनके हस्बैंड का नाम जवाद है और ये अपने हस्बैंड के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर सेवन पर है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद ड्रामा सीरियल के अंदर बाप का किरदार निभाते हुए ही नज़र आते हैं और आप लोग जानते ही हैं कि इन्हें हर दूसरे ड्रामा सीरियल के अंदर बाप का रोल करते हुए देखा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा सीनियर पाकिस्तानी अदाकार, राइटर और एक डायरेक्टर भी हैं। ये एक साथ बहुत सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बेशुमार ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल के अंदर भी काम किया। इनके मशहूर ड्रामा सीरियल के अंदर ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, दसवाई, हम तुम, सबात, बेटियां और कुछ अनकही जैसे ड्रामा शामिल हैं जहां पर इन्होंने अदाकारी की और इसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामा सीरियल के अंदर काम कर चुके हैं। ये ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छे राइटर हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा शौक भी है। ये शादीशुदा हैं लेकिन अपनी फैमिली के बारे में बहुत कम ही शेयर करते हैं। नंबर एट पर है दानिया। दानिया पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने 2016 से पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल के अंदर काम करना शुरू किया। इन्होंने बहुत कम ही ड्रामा सीरियल के अंदर लीड रोल प्ले किया है लेकिन इसके बावजूद ये स्पोर्टिंग रोल में ही नज़र आती हैं। इन्होंने हाल ही में ड्रामा सीरियल अदावत के अंदर भी काम किया और इस ड्रामा सीरियल के अंदर भी इनकी अदाकारी को फैन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कुछ अर्सा पहले इनकी शादी इनके भाई के दोस्त के साथ हुई लेकिन ये शादी ज़्यादा अर्सा तक ना चल सकी। इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई, इसकी वजह से इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। इनका कहना है कि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और इन्हें हर जगह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। नंबर नाइन पर है अरसलान नसीर। अरसलान नसीर के बारे में तो आप सभी लोग यकीनन जानते ही होंगे। अरसलान नसीर जो कि पाकिस्तानी मॉडल, यूट्यूबर और एक्ट्रेस भी हैं, सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग रखते हैं। आपको बताते चले कि इन्होंने बहुत सारे ड्रामा सीरियल के अंदर लीड रोल प्ले किया है और इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। इसी वजह से आज इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है। अरसलान नसीर के बारे में आपको बताते चलें कि ये अभी तक सिंगल हैं, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही अभी तक इनका शादी करने का कोई ख्याल है। नंबर टेन पर है शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर जो कि ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर लीड रोल प्ले कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के काफ़ी हैंडसम अदाकार, एक मॉडल भी हैं। इनके अलावा ये एक प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने बेशुमार ड्रामा सीरियल के अंदर भी काम किया। ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल के अंदर काम कर चुके हैं। ये ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है, सनफेहन और ऐसे बहुत सारे ड्रामास के अंदर काम कर चुके हैं। शहरयार मुनव्वर को इनकी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इनकी अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल हैं। सोशल मीडिया पर इनकी कोई ना कोई खबर गर्दिश करती रहती है लेकिन इनके बारे में तमाम खबरें झूठी करार दी जाती हैं
और ये खबरों में से कोई ज़्यादा बात भी नहीं करते। नंबर 11 पर है हिबा बुखारी। हिबा बुखारी पाकिस्तान की एक खूबसूरत अदाकारा हैं। इनको इनकी मॉडलिंग और एक्टिंग की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर काम किया। इन्होंने बहुत सारे ड्रामा सीरियल के अंदर काम किया, जैसे दीवानगी, जोक सरकार, इश्क के नाम, ऐसे ड्रामा सीरियल के अंदर काम किया है जहां पर इनको बेहद पसंद किया जाता है। हिबा बुखारी ने जब ड्रामा सीरियल दीवानगी के अंदर काम किया और इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और अब ये दीवानगी सीज़न 2 में भी एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। हिबा बुखारी ने पाकिस्तानी अदाकार अरेज अहमद के साथ शादी की है और इन दोनों के कपल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अक्सर इन दोनों ने कई ड्रामाज में एक साथ परफॉर्म किया है। अगर इन दोनों को एक साथ देखा जाता है तो इनके फैंस इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और अब ये ड्रामा सीरियल रद्द के अंदर अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन तमाम अदाकारों में से आपके पसंदीदा अदाकार कौन से हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलती हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।